विलियम गॉडविन uh, आप जानते हैं कि यू नो रोट अगेंस्ट हिम बट यू मे नॉट नो दैट गॉडविन इन टर्न रोट बैक अगेंस्ट मैलस उसने भी छोड़ना तो नहीं था इतनी आसानी से वो भी चीता आदमी था तो मैंने सोचा कि क्विकली जो उसकी uh, उसका रिस्पॉन्स था टू तो मैल्थस वो भी आपको थोड़ा सा समराइज़ कर दो सो गॉडविन को मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ मगर बार आली इज अ रिफॉर्मर इज अ यूटिलिटेरियन एंड इज अ लेफ्टिस्ट ऑफ हिस डे ही वॉन्टिड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि आवाम के गरीबों के मज़दूरों किसानों के फेवर में हो एंड ही ऑल्सो इस पास द लेबर थियोरी ऑफ वैल्यू एंड इन फैक्ट के एम वेरी क्लोज टू यू नो डिवेलपिंग थियोरी ऑफ एक्सप्लेटेशन इन सेल्फ और मार्क्स ने भी उसकी बड़ी तारीफ की लाइक अ टिपिकल सोशलिस्ट और एन आर ऑफ़ दट पीरियड ही बिलव दट प्रॉपर्टी शुड भी हेल्ड इन कॉमन ये एडविकेटेड इन इकोनमी बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एन आर के अक्सर बाय द वे पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो हमेशा

All of this culminating in a utopian society that might best be described as voluntary communism. So very clearly, Godwin is on the left of the political spectrum. And he influenced people like Robert Owen, who is very important, Hodgkins, uh, also very important, and uh, to some extent also Karl Marx himself. So uska essay of Population 1820, that, that I disappointed, I that a उस बोंगी के बाद इतनी एज ऑफ इन्लाइटनमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि मैथूस मियाँ कोई एक्चुअल डेटा तो दिखाओ जो प्रूव करता है कि आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है आपने वैसे ही कह दिया कि जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक और दुनिया ने इसको कबूल कर लिया और आई एम क्वाइट शॉकड एंड डिसअपॉइंटेड एक्चुअली गॉडमेंट राइट्स कि नो बडी इज़ रेडी सीरियसली चैलेंज दिस बाई लुकिंग एट एनी एक्चुअल डेटा एंड इन फैक्ट यू नो जो उसने डॉक्टर फ्रेंकलिन डॉक्टर नेजरा स्टाइल से डेटा लिया है वो अमेरिका का डेटा लिया है जो कि बड़ा मखसूस है मगर उसने ग्लोबल डेटा नहीं लिया इट वुड विन फेयर टू हैव टेकन बिफोर हिम द ग्लोब ऑफ अर्थ एट वन व्यू एंड फ्राम देंस टू हैव डिड्यूस द ट्रू प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एंड द पॉलिसी दैट पॉलिस द मेजर्स ऑफ दोज हु गवर्न द वर्ल्ड मतलब उसने ही नहीं किया कि बाकी मुल्कों में भी वाकई 25 फाइव ईयर्स के बाद पॉपुलेशन डबल होती है नहीं होती अमेरिका से उसने डेटा लेके कह दिया कि जी ओ जियोमेट्रिक रेशियो में इंक्रीज़ होती है पॉपुलेशन एंड दिस इज जस्ट ए जनरल रूल But have you looked at any other country? Did you look at India? Did you look at China? Did you look at the African continent? Anything else? Nothing. In fact, he must be a literal and most in inventive speculator who would attempt to set bounds through the physical powers of the earth to supply the means of human subsistence. यानी कि ये तो बड़ी आइडल किस्म की स्पेकुलेशन स्पेूलेशन है कि आप ये कहें कि दुनिया के अंदर जी सिर्फ इतने लोग हो सकते हैं इससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते कोई भी नहीं बता सकता कि दुनिया के अंदर फ्रेंकली कितने लोग हो सकते हैं कितने लोग नहीं हो सकते जब मैलथस खुद लिख रहा था तो दुनिया के अंदर कितने को लोग होंगे तो आज के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थे ठीक है ना तो आज आप सेवन बिलियन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की तो मैलथूस की थ्यरी शुड हैव सेट वो तो दुनिया कब की जो है तबाह हो जानी चाहिए थी क्योंकि इट शुड नॉट वेंट बीन एबल टू सस्टेन सेवन बिलियन पीपल अब आप कह सकते हैं कि जी दुनिया के अंदर सेवन बिलियन हो सकते हैं या दस बिलियन हो सकते हैं या पंद्रह हो सकते हैं या बीस हो सकते हैं कहता है कोई नहीं कह सकता इस पर कोई फिगर नहीं लगा सकता इट्स अ वेरी डिफिक कॉम्पिटिशन टू मेक एनी वे सच दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट कहता है uh, सारे लोग जितने पहले आ चुके हैं वो हमेशा ये लिखते आए हैं चाहे वो पॉलिटिशियंस रहे हों या स्कॉलर्स रहे हों कि द डिके ऑफ पॉपुलेशन इज़ एन ईवल ये बड़ी जब कहीं किसी सोसाइटी की पॉपुलेशन कम हो रही होती है तो इनफैक्ट uh, उसके बारे में यही कहा गया है तकरीबन तमाम माजी के अंदर कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है ये तो सोसाइटी तबाह हो रही है सिविलाइजेशन इनफैक्ट तबाह हो रही है आपने देखा मैंने इब्ने खलदून में भी इसको रेफ़र किया और जगह पे भी जब मैं पहले पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया कि द एटीट्यूड टवर्ड्स पॉपुलेशन इज़ वेरी डिफरेंट इन द एशंट डेज एंड इट्स ट्रू द डिके ऑफ पॉपुलेशन इज़ द ग्रेटेस्ट ईवल दैट अ स्टेट कैन सफ़र ही सेज़ and the improvement of it is the object which ought in all countries to be aimed at in preference to every other political purpose whatsoever yani jo politicians hain jo kings hain rulers hain unki koshish hamesha ye population khatam ho jaye kam ho jaye constrain ho jaye balki population badhe and ye sabhi is baat ko such has been the doctrine i believe of every enlightened politician and legislator since the world began ये कोई नई किस्म की बात मिस्टर मैथूस ने की कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए सारी तारीख़ में लोग ये लिखते रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ेगा डिवीजन ऑफ़ लेबर बढ़ेगा मार्केट्स बढ़ेंगी प्रॉस्पेरिटी आएगी स्टेट्स भी स्ट्रांग होंगी सोसाइटीज़ भी स्ट्रांग होंगी तो और ये एक ऐसे पीरियड के अंदर लिख रहा है याद रखें कि जब डिजीज़ कुड वाइप आउट ह्यूज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लाइक ब्लैक डेथ ब्यूबोनिक प्लेग टाइप चीज़ें जो हैं वो थर्ड ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन को उड़ा के ले जाती थीं So this was not some, you know, uh, idle speculation. Obviously, people were very aware that you know the drop, drastic drop in population can lead to the very destruction of civilization. So he So he there is no principle respecting man in society more certain uh, than that every man in a civilized state. is endowed with the 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 physical power of of producing more than shall suffice for his own subsistence. This principle lies at the foundation of all the history of all mankind. If it were otherwise, we should be all cultivators of the earth. यानी कि ये तो बड़ी सादा सी बात है कि एक इंसान अपने से ज्यादा पैदा कर सकता है उसकी पैदावार इतनी है कि जितना वो खुद खाता है उससे ज्यादा पैदा कर सकता है कहते हैं इसमें तो कोई तज्ज्ब की बात नहीं कोई शॉकिंग बात नहीं मैंने इसको बड़े शॉर्ट तरीके से समराइज़ किया मेटाफोरिकली दैट वन मंथ माउथ कम्स विद टू हैंड्स जो माउजें ने कहा मगर इट्स वेरी प्लेन एंड ऑब्वियस कि भाई व्हाट यू रिक्वायर टू सस्टेन योर सेल्फ इज अलॉट लेस देन व्हाट यू इन टर्न कैन क्रिएट इन द वर्ल्ड इसे इसको तो एलस्ट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी और असल वजह जो पॉवर्टी की है वो ये नहीं है कि आबादी बहुत ज़्यादा है और वसायल बहुत कम है मगर असल वजह ये है कि जो वसायल हैं जो दुनिया के अंदर पैदा होते हैं उसमें एक बड़े अजीब वरीब किस्म का आर्टिफिशल सिस्टम बनाया हुआ है प्रॉपर्टी का सिस्टम जिसमें सारी वेल्थ और लग्जरी और पैसा है और रिसोर्स हैं और प्रोडक्शन है वो छोटे से तबके के पास है वो कंट्रोल करती इट इज़ नॉट द लॉ ऑफ नेचर इसकी वजह से ये नहीं है इट इज़ द लॉ ऑफ a very artificial life it is the law which heaps upon some few with vast excess the mean excesses the means of every wanton expense and every luxury while others some of them not less worthy are contempt to pine in want so asal masla ye hai ki log se nahi mar rahe hai duniya ke andar khana kam ho gaya magar is distribution itni hai, resources ki distribution property ki distribution land ki distribution itni unequal hai, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जन्नत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो वो आर पाइनिंग फॉर बेसिक थिंग्स बेसिक यू नो सबसिस्टेंस अच्छा सो वाई इज़ द ग्लोब नॉट पीपल्ड ये सवाल करता है अगर तो बैथूस की बात दुरुस्त है तो फिर तो पूरी दुनिया के अंदर लोग ही लोग होने चाहिए थे मगर हमें हम देखते हैं के बहुत सारे बड़े बड़े इलाके हैं जो बे पड़े हैं वहाँ कोई आबादी कोई नहीं है वगैरह वगैरह हाउ कम्स इट दैट द वर्ल्ड इज़ अ विल्डरस अ वाइड एंड डेसोलेट प्लेस वेयर मैन क्रॉल अबाउट इन लिटिल हर्ड्स इतनी ज़मीन पड़ी हुई दुनिया के अंदर इतनी ज़मीन पड़ी हुई वो अभी तक तो कब की ख़त्म हो जानी चाहिए थी अगर मेलथूस की थ्योरी दुरुस्त है मगर ये कोई भी नहीं ख़त्म हुई अच्छा डू द नंबर्स ऑफ मैन कांड एक्चुअली इन इनफैक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इफ़ मैन काइंड हैज सो पावरफुल एंड अलार्मिंग अ टेंडेंसी टू इंक्रीज हाउ इज़ इट दैट दिस टेंडेंसी नोवर शोज इट सेल्फ इन जनरल हिस्ट्री हमें नजर क्यों नहीं आता अब वो जिस पीरियड के अंदर वो लिख रहा है तो वो बात गलत तो नहीं कह रहा वास्ट लैंड्स पड़े में जो अनकल्टिवेटेड हैं और जो मतलब है जहाँ पे लोग रहते ही नहीं तो हाउ इज़ दिस द केस देर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंस होली कल्टिवेटेड इवन इन इंग्लैंड ही सेज़ चलो बाकी चीज जगह तो छोड़ दो इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे इतनी सारी ज़मीन पड़ी है जो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हाउ इज़ इट पॉसिबल तो इसलिए वैसे वो कंप्यूट नहीं हो रहा कहते हैं इनफैक्ट मैथ्यूज़ ने ये किया इज मेड द एक्सेप्शन द रूल द ग्लोब इनहैबिट मे बी डिवाइडेड वर्ल्ड एंड द न्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड से मतलब है अमेरिकन कॉन्टिनेंट ठीक है उसमें साउथ अमेरिका भी शामिल है नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है ठीक है ओल्ड वर्ल्ड से मतलब है एशिया यूरोप अफ्रीका ठीक है कहता है ये दो दु, दो दुनिया है ओल्ड वर्ल्ड है न्यू वर्ल्ड है तो उसने सिर्फ न्यू वर्ल्ड का डाटा देखा ओल्ड वर्ल्ड का डाटा वो देखता ही नहीं मैलूस कहता है हाउ स्टैंड क्वेश्चन ऑफ पॉपुलश दी ओल्ड वर्ल्ड हाउ ओल्ड वर्ल्ड का डाटा भी देखो ना मिस्टर मैलथूस फ्रीली एंड विदाउट हेजिटेशन एडमिट्स दैट ऑन दिस साइड ऑफ द ग्लोब पॉपुलेशन इज एंड हैज बीन एट अ स्टैंड ये तो मैलथूस भी खुद कह रहा है कबूल करता है कि ओल्ड वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन स्टडी है बढ़ नहीं रही है क्यों नहीं बढ़ रही मिस्टर हैज ब्रॉट फॉरवर्ड एन एक्सेप्शन टू ऑल दिस Which I shall hereafter take occasion fully to examine in a certain tract of the globe now known by the name of the United States of America. And he affirms this exception to spread itself over a period of 150 years. The entire foundation of his work lies in one simple sentence. In the northern states of America, the population has been found to double itself or above a century and a half successively in less than 25 years. So America's population demographics, made a general rule banali, yes, the population is double, or ke dunya is the population. दिस इज वेरी बैड डेटा वेरी वेरी बैड डेटा बाकी दुनिया के अंदर क्यों नहीं देखा आपने कि क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है क्या पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नहीं है ठीक है तो कहता है कि it's not correct. फिर कहता है कि अगर आप कैलकुलेट करें इन्फंट मोटेलिटी के हिसाब से देखें और बाकी चीजों के हिसाब से देखें तो मिस्टर मैलथूस ने जो कैलकुलेशन लगाई है वो क्या लगाई है कहता है वन मिस्टर मैलथूस दे फोर रिक्वायर्स अस टू बिलीव इन द जियोमेट्रिकल रेशियो जो रेशियोज ने लगाया कि हर पच्चीस साल बाद पॉपुलेशन डबल होगी Or that uh, the human species has a natural tendency to double itself every 25 years, he does nothing less, in other words, than require us to believe that every marriage amongst human creatures produces, upon an average, including the prolific marriages, those in which the husband or wife die in the vigor of their age or in the early years of their union, those in which the prolific power seems particularly limited, and the marriages that are totally barren, eight children. अंदाज़ा करो वो ये कह रहा है कि आठ बच्चे जो है ना हर शादी में प्रोड्यूस होने तब जाके पच्चीस साल में पॉपुलेशन जो है वो डबल होगी तो ये तो इम्पॉसिबल फिगर है कैसे हो सकता है कि आठ बच्चे हर शादी के अंदर प्रोड्यूस हों वही लोग जो है जवानी में भी कुछ मियाँ मर जाता है बीवी के साथ कुछ हो जाता है दोनों ही कभी कबार मर जाते हैं बच्चे मर जाते हैं क्या कुछ नहीं होता है। वो कहता आ, ये एक्चुअल उसका मैथ बनती है कि आठ बच्चे प्रोड्यूस करोगे तो पच्चीस साल के अंदर पॉपुलेशन डबल होगी और हर शादी में आठ बच्चे प्रोड्यूस और हर बंदा शादी करे और हर शादी के अंदर आठ बच्चे प्रोड्यूस कहते कैसे हो सकता है ये मैथ ही नहीं कोई बनती सेंस ही नहीं कोई इस मैथमेटिक्स की बनती आगे कहता है द मिसिंग चिल्ड्रेन बट मिस्टर मैल डिमांड्स फ्रॉम अस बाई वर्च्य जियोमेट्रिक रेशियो टेन मिलियन ऑफ चिल्ड्रन मोर देन आर अनसस्पेक्टिंग एंड एवर ड्रीमड ऑफ दैट इज एट चिल्ड्रन फॉर एवरी पेयर ऑफ एडल्ट अगर इस हिसाब से मैं चलू तो uh, जो उसने मैथ की थी मैथूस ने उसके हिसाब उसी के अपने हिसाब से वो फिगर्स लेके अमेरिका के फिगर्स लेके कहता है कि 10 मिलियन बच्चे और होने चाहिए वो किधर गए सारे 10 मिलियन बच्चे हैं ही नहीं बट वेयर इज दिस रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस इन मोस्ट सिविलाइज कंट्री सम सॉर्ट ऑफ रजिस्टर्ड इस कैप्ट मैरेजिजस एंड डेथ्स आई बिलीव नो ट्रेस ऑफ एडिशनल बर्थ्स विच मिस्टर मैथूस इज इंट्रोड्यूस टू आर एक्वेंटेंसिज एनी वे टू बी फाउंड है ही नहीं यू कॉन्ट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी कपल टू हैव To get married and have eight children, and you know for the children to survive and all the rest of it, etc. So finally, Godwin says, when this author shall have produced from any country, the United States of North America not accepted, ठीक है मतलब और कितने सारे मुल्क हैं उसमें से डाटा दिखाओ अ रजिस्टर ऑफ मैरिजेस एंड बर्थ्स फ्रॉम विच इट शैल अपेयर दैट देयर आर ऑन एन एवरेज एट बर्थ्स टू अ मैरिज देन एंड नॉट टिल देन कैन आई हैव एनी जस्ट रीजन टू एडमिट हिज डॉक्ट्रिन ऑफ द जियोमेट्रिक रेशियो कहता है साबित करके दिखाओ कि आठ बच्चे पैदा होते हैं हर शादी के हर बंदा शादी करता है हर शादी के अंदर आठ बच्चे पैदा होते हैं कोई भी रिकॉर्ड उठाओ किसी भी कंट्री का उधर से साबित करके दिखाओ हो ही नहीं सकता सो यू सी हियर

रिसोर्स जो है वो एरथमेटिक रेशियो पे एक्सपेंड करते हैं दोनों मैथ उसकी गलत है मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर आप पॉपुलेशन को कभी प्लॉट करें किसी भी लंबे से एक्सेस पे आप प्लॉट करें आप तारीख में पीछे चले जाएं तो पॉपुलेशन इस तरह है लिटरली इस तरह है ये लास्ट ट्वेंटी सेंचुरी में आके एकदम से इसका बूम होता है उससे पहले पॉपुलेशन तो बढ़ती नहीं थोड़ा सा जो है ना राइज आपको नजर आएगा जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होती है वगैरह यू नो सो इट Population it, it used to increase extremely slowly till very recently And this recent boom where population This is because of a revolution in healthcare Antibiotics play a key role in, in this boom in, uh, in population uh, Also, of course, science and technology and application of new things uh, You know, productivity jumps productivity But medical technology plays a very key role Inoculation, for example, the shots you get इसका बड़ा की रोल है पॉपुलेशन के जंप में लोग इसका इसको रियलाइज़ नहीं करते कि इससे पहले जो इन्फर्ट मोटेलिटी थी वो बड़ी हाई होती थी और जैसे ये लगने शुरू हो गए शॉर्ट्स इन्फर्ट मोटेलिटी एकदम से गिर गई जब एंटीबायोटिक्स आ गए धड़ल करके आपकी जो मोटैलिटी फिगर्स हैं वो गिरे हैं बड़ी ड्रामेटिक तरीके से गिरे ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली इन द मोरल लेस इन द लेट नाइनटीन ट्वेंटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बूम्ड इन द ट्वेंटी सेंचुरी बिकॉज ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजीज यस करेक्ट

Uh, where it's grown is uh, uh, mainly in the 20th century is Asia, uh, India, Pakistan, Bangladesh, massive growth of population. China at a certain period after 47 etc., massive growth in population. But China may be taper off Here taper off kar hai. South Asia may be taper offkarra. सो या इट्स नॉट सो ये इतना गवर्नमेंट uh, भी ये कहता है कि यार ये एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मामला है इस पर आपने एक प्रोपोर्शन लगा दिया है कि यहाँ पर जियोमेट्रिका यहाँ पर रिथमेटेगा और सारा मसला ख़त्म कर दिया उसको स्टडी किया ही नहीं केयरफुली कि पॉपुलेशन किस तरह ग्रो करती कब ग्रो करती है एंड वट सर्कमस्टांसिस एक्सेट्रा अब बाय द वे बहुत सारी एडवांस स्टडीज हैं इस चीज़ पर और अब जो पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक्स को लोग स्टडी करते हैं दे हैव Very much more complex theories. They don't go for this Malthusian theory. But one, a couple of very important and good things came out of the Malthusian theory, although it's a very regressive theory. So I would say it's even a reactionary theory. It's a very right wing theory, right? But उसमें से अच्छी चीजें भी निकली. अच्छी चीजें ये the the best thing that actually came out of it, the most important or influential idea that came out of it was the idea of the evolution of species by uh, the Origin of Species by Charles Darwin. Darwin is a Malthus नॉट दैट डाविन अल मैल पोलिटिकल पॉलिटिक्स एंड एवरी थिंग गरीबों को मार दो बट जस्ट एन आइडिया केम टू हिम कि पॉपुलेशन और फूड सोस का कोई ताल्लुक है एंड दैट्स वैन ही बिगैन टू से जो स्पीशीज़ हैं जो अडेप्ट करती हैं फूड सोर्स एंड टू देर इन्वायरमेंट वो ग्रो करती हैं और जो अडेप्ट करती वो जो है तबाह हो जाती हैं ख़त्म हो जाती हैं तो इधर से डाविन ने फिर तहकीक करनी शुरू की दिस वॉज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ लाइट बल्ब दैट वेंट ऑफ इन इज हेड रेड कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ फूड सोर्सिस टू पॉपुलेशन एंड ऑल्सो टू द दैट रिजल्ट फ्रॉम दैम कौन सी स्पीशीज ग्रो करेगी कौन सी तबाह हो जाएगी इज ऑल डिपेंडेंट ऑन फूड राइट सो दैन ही बिगैन टू मोर ब्रॉडली ऑन द इन्वायरमेंट

जियोमेट्रिक रेशियो एथमेटिक रेशियो फॉर सबसिस्टेंस लेवल पे लोग आ जाएंगे बस ठीक है और इन्हीं तीन प्रेमिस पे मैं उसको चैलेंज भी कर सकता हूँ क्या वाकई ज्योमेट्रिक रेशियो है गॉडविन कहता है नहीं ज्योमेट्रिक रेशियो पॉपुलेशन का नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मामला है क्या वाकई सिर्फ अरेथमेटिक रेशियो है रिसोर्सेज की ग्रोथ का उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं नहीं तो फिर जो पूरा पैराडाइम है वो इट फॉल्स अ पार्ट ठीक है सो so वेरी और गॉडविन यही लिखता है कहता है यार इतनी सिंपल थेरी कोई इतने सारे इंटेलिजेंट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए कैसे एक्सेप्ट कर लिए इतनी सिंपलिस्टिक किस्म के आइडिया को उसने कोई डेटा भी नहीं दिया ऐसी बस बोल दिया अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक आपने कहा ओ ज़बरदस्त यू नो ही सेस के डेटा तो देखो ऐसा है ही नहीं